ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आखिर जा कहां रहे? मेरे सरताज, आप बेवकूफी के सवाल ना पूछ के अपनी मशाल पे ध्यान दे तो कितना अच्छा होगा। जगमगा रही है आपकी मशाल, मजबूती से पकड़िए। कहा था ना मजबूती से पकड़ो, उठाओ। एक चीज ठीक से नहीं कर पाते तुम। ये क्या बला है? ये वो बला है जो हम पर आए हर बला को तबाह कर देगा। मिलिए खैबर जारा से मेरे सरताज, हमारा खास हथियार। अरे बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, दरअसल आपकी आमद का आपके आने का इल्म नहीं था। इसे ऐसा तैयार करो कि जलाल को देखते ही ये उसके खून का प्यासा हो जाए। जी हुजूर, इसी बात की कोशिश हो रही है। मसला ये है कि ये आखिरकार है तो इंसान ही ना, हालांकि इंसानी खून की महक पाते ही इसके अंदर का जानवर जाग जाता है। ये अंदर का जानवर कब जाग जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और साथ ही साथ इसके अंदर का इंसानी दिमाग कब जाग जाए इसके बारे में भी कोई दलील नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब इसके जज्बात एहसास उभर आए कुछ नहीं कहा जा सकता। खामोश! देख नहीं रहा हम मसलत कर रहे हैं? कौन मालिक है, किसके सामने कब जुबान खोलनी है और कब बंद रखनी है। तुम्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का कत्ल करना है हमारे लिए, समझे जानवर? कोई इंसानी दिमाग नहीं है इसमें, वहशी है पूरा। इसके साथ जानवर जैसा ही सलूक रखो, इंसानियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बेशक बेगम हुजूर, इसके लिए मुझे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का खून चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये वहशी दरिंदा इंसानी खून की महक पाते ही दरिंदा बन जाता है, इसके अंदर का जानवर जाग जाता है। इसे हमें इस तरह से तैयार करना है ताकि ये जलाल के खून की महक को पहचान पाए, और बस इसी खातिर मुझे जलाल के खून का नमूना चाहिए। मिल जाएगा तुम्हें, तुम इसे तैयार करो बस। मगर हुजूर, जलाल का खून हम लाएंगे कहां से? तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं है फाजिल बेग, सवालों के जवाब लाना है तुम्हारा काम। पता करो जलाल का खून कहां से मिलेगा। जी बेगम साहिबा।
जोधा बेगम। इतनी रात गए कैसे गाना सुना रही थी आप? नहीं बस ऐसे ही, वो नींद नहीं आ रही थी ना इसलिए। आइए बैठिए। मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए जोधा बेग। वैसे भी हम सबने एक बहुत लंबा सफर तय किया है और कल सुबह होते ही हमें फिर से एक लंबा सफर तय करना है, तो आप सो जाइए। विश्राम करने का प्रयास तो हम कर रहे थे परंतु नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो हमें भी नहीं आ रही है जोधा बेग। क्यों शंशय? उसने कहा आपा के बारे में सोच रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि बेगम महाचूचक के साथ मिलकर वो इस हद तक गिर जाएंगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारा मन कहता है कि हमें अब भी उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। उनकी अम्मीजान को ढूंढकर उन्हें और उनकी अम्मीजान को उनका हक देना चाहिए और अपने अब्बा हुजूर के कॉल पर अमल करना चाहिए। फिर तो आपकी और हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है शहंशाह। बापूसा ने भी यही गलती की थी। सबसे अधिक योग्य सुजामल भाई साहब थे, फिर भी उन्होंने हमारे भाई साहब। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जोधा बेगम की, आपके भाई जान सुजामल बहुत बहादुर और बहुत काबिल हैं। काश हम उनसे पहले मिले हुए होते, सही जगह पर मिले हुए होते। कोई है? जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बहुत बुरा लगता है जब आप खुद की सेहत को नजरअंदाज करती हैं। जो तो एकदम जंग जितनी मुश्किल होती है उससे ज्यादा मुश्किल होता है वापस लौटना। शंशा आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है जोधा बेगम, ये ठीक नहीं है। अरे हम आपकी एक बात ही नहीं सुनेंगे। अब चलिए चलकर आराम करिए, हम मोती भाई को भेजते हैं आपकी देखभाल के लिए। आइए। आराम फरमाएं। मन तो करता है कि शुभ सूचना आपको अभी के अभी दे दे शहंशाह। बस उस पल की प्रतीक्षा है जब आप हमसे दीवाने खास में एकांत में मिलेंगे और आपकी प्रसन्नता चार गुना बढ़ जाएगी। बेगम अम्मी जान चूचक इस खबर से खुश नहीं होंगी। इकबाल बुलंद हो बेगम साहिबा। शिकस्त से इकबाल बुलंद नहीं होता निगार बानो। हमने आपको इतना कीमती मौका दिया, आपकी मदद की और आप हैं कि जंग हार गई और जलाल के खाते में एक और फतेह लिख दी आपने। और हमारे दामाद साहब आपके साथी पहले अपनी आंख जख्मी कराए जलाल के हाथों और आज हमारी इज्जत लहूलुहान कराए आप लोग। हिंदुस्तान की मलिका बनने का ख्वाब देख रही हैं आप, तख्त की वारिस हैं आप, जलाल से बेहतरीन हैं आप। शहंशाह हुमायूं का खून आपकी रगों में दौड़ता है, हमें शक है। ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कह रहे हैं हम? हमें माफ कर दीजिए निगार, अब तो हमारी बेटी जान है। इतना गुस्सा आपसे अच्छा नहीं। शिकस्त होती रहती है जंग में, खासतौर अगर जलाल से जंग हो। हमें माफ कर दीजिए, हमने पूरी कोशिश की थी मगर कोशिश कोशिश नहीं निकार। जब ताज और तख्त का मामला हो तो हर कोशिश कामयाबी में बदलनी चाहिए।
देखिए ना, दिल्ली और आगरा तो दूर रहा, पंजाब हमारे हाथों से निकल गया है। हमें अब भी आपसे बहुत उम्मीद है और हम आखिरी दम तक आपकी मदद करेंगे, जब तक चांद बेगम आपको मिल नहीं जाती, आगरे का तख्त आपको मिल नहीं जाता, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। अब आप कोशिश कीजिए इस शिकस्त का गम भुलाने की और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आप जाइए। एक और खैबर जरा हमारा काम करेगा, दूसरी ओर तुम। अब तो जलाल के साथ साथ वो जोधा भी हमारी दुश्मन बन गई है, तो उसे भी जवाब देना ही पड़ेगा। जोधा और जलाल की कब्र एक साथ बनेगी हमारे हाथ। अब रुक जाएं, हम आपसे थोड़ी देर में मुखातिब होंगे। तो क्या हुआ था? जो हक तो दर्जा आपने इन बाहर वालों को दिया है, वो हक और दर्जा हमें भी चाहिए। मान सिंह एक राजवंशी, एक बच्चा है, उसे आपने इस सल्तनत का नगीना करार दिया। अतका खान एक दाई का शौहर, उसे आपने वजीर बना दिया। तोडरमल एक हिंदू होते हुए भी आपने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। बजा फरमाते हो तुम आदम खान, लेकिन बाकी उके छोड़ो, खुद की बताओ। तुम जो भी हमसे मांगोगे, हमारा वादा है तुमसे, हम तुम्हारी बात पर जरूर गौर फरमाएंगे। हमें कोई भी एक सूबा दे जहां हम अपने हिसाब से हुकूमत कर सके। इस बारे में हम आगरा पहुंचकर बात करेंगे। तुम माफी चाहते हैं बेगम साहिबा, हमने निगार को बार बार कहा कि जलाल को फौरन खत्म कर दो, मगर उसने वक्त की बर्बादी की और उन लोगों ने जलाल को ढूंढ निकाला। 30 घंटे तक जलाल को तकलीफ देगी, उसने कहा आपका हुक्म है। हाँ, ये हमारा ही हुक्म था। जो हो गया उसे भूल जाइए, आगे जो करना है वो ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं आपका नया हथियार अबेज़ो दरिंदा। हम जब बात कर रहे हों आप सुनिए। हमें मालूम है काबिर का हमला खाली नहीं जाएगा, वो एक ही झटके में जलाल को इस दुनिया से रुखसत कर देगा। हम आपसे कुछ और चाहते हैं, निगार का इस्तेमाल। हमें नहीं लगता कि निगार अब हमारे किसी काम की है बेगम साहिबा। ये आपकी गलत फहमी है, निगार अब भी बहुत काम की है। आप नहीं जानते, मरहूम शहंशाह हुमायूं ने निगार के लिए एक फरमान छोड़ा था, दिल्ली की गद्दी निगार की है, और उसके नाम पे एक बहुत बड़ा खजाना भी छोड़ा था। आप निगार को तब तक जिंदा रखेंगे जब तक वो फरमान और वो जायदाद हमारे हाथ नहीं आ जाती। आप निगार को जिंदा रखिए। मगर जायदाद और तख्त हम तभी हासिल कर सकते हैं जब जान बेगम हमारे हाथ में होगी, लेकिन वो तो जलाल के कब्जे में है। जलाल इतनी नीच हरकत कभी नहीं करेगा, उसकी माँ ने उसे नेकी का सबक सिखाया है। अगर चांद बेगम जलाल के कब्जे में होती, निगार ने कहा था और हमने उसे कहने दिया। निगार के दिल में जलाल के खिलाफ जो नफरत थी, हमने उसे बढ़ावा दिया ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सके। या अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह हुआ हमसे, अपने बेगुनाह भाई से नफरत की हमने, और इस धोखेबाज पर यकीन।
के सब निकल गई हाथ से। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। आपने तो कहा था कि भाईजान इस जंग से वापस नहीं लौटेंगे। लगता है आपके मंसूबे ने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह आप चाहते थे। खामोश रहिए आप। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। हम अपनी आवाम और अपने महल के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस इस्तकबाल के लिए। अब सबकी दुआएं और साथ की वजह से ही आज हम फतेहाब बनकर लौटे। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर, मिर्ज़ा हाकिम की ओर से खबर आई है कि हिसार पे फिर से सल्तनत की फौज का कब्जा हो चुका है। अदगासा, फौरन रसद और कुमुद भेज दीजिए मिर्ज़ा हाकिम के पास ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। जी हुजूर। मोती, आज वो शुभ दिन आ ही गया जब ये सूचना हम शहंशाह को देने वाले हैं। बहुत अच्छे जोधा, आप ये अवसर में चूकना। आहिस्ता मोती, अपने उत्साह को संयम में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये रहस्य पहले शहंशाह को पता चल जाए। प्रणाम शहंशाह। इतना लंबा सफर तय करने के बावजूद आज आप यहाँ दीवाने खास में हमारे सामने मौजूद हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपका चेहरा बता रहा है जोधा बेगम कि आज आप बहुत खुश हैं, सर अभी थके हुए नहीं। घर आने से जैसे सारी थकान ही मिट गई हो, और हमने सोचा कि आपके साथ कुछ समय व्यतीत कर लें। और हमारा भी वक्त सिर्फ आपके लिए तो है, हुक्म फरमाइए। यदि ऐसा है तो आज शाम को दीवाने खास में हम आपसे मिलना चाहेंगे। बेशक। निगार बानो यहां तक पहुंच गई है। गुनेगार तुम्हारे सामने है जलाल, हर ना हो तो तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करेंगे। शायद यही हमारी सजा है। हमने बहुत गुनाह किया है, अपने खैर ख्वाह, अपने
भाई का कहना ना मानकर